एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा जाता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। क्या आपके पास इस समस्या का कोई 100% सटीक समाधान मिल सकता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह समस्या बन क्यों रही है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने के ज्योतिष शास्त्र अनुसार तीन बहुत बड़े कारण बनते हैं, और इन कारणों को मैंने लाखों लोगों के साथ, लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि यह कारण कहीं आपके साथ तो नहीं बन रहा है, या आपके बेटा या बेटी की कुंडली में यह कारण यदि बन जाता है तो फिर इसका निवारण कैसे करना है। देखिए, यदि आपको समस्या की जड़ पता चल जाए कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बार बार कोशिशें, हर एक प्रयास करने के बाद भी क्यों नहीं बात बन रही है, इसके पीछे कारण क्या है, और यदि ये कारण आपको पता लग जाता है तो इसका निवारण करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने के तीन सबसे बड़े कारण बनते हैं। तो ये कारण कौन से बनते हैं, और इन तीनों कारणों में से कोई भी कारण यदि आपके साथ बन रहा है तो उसका निवारण भी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और उस निवारण को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूपेण जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलने से पहले मैं बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, चाहे उस कुंडली के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी एबीसीडी आपको नहीं आती है, लेकिन आप जन्म कुंडली निकाल लीजिए। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है ना। जन्म कुंडली या लग्न कुंडली का ऐसा एक नक्शा बना हुआ होगा। फर्क इतना है कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में यही नंबर लिखे हुए हो, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं नक्शा ले रहा हूं, तो आपकी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का नक्शा होगा, और यह साइड में जो आप कुंडली देख रहे हैं ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, अब इस खाने में नंबर तो आपके कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आप इस खाने में देखिए आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में नंबर चाहे आपके कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने में यदि शनि बैठे, राहु बैठे या मंगल बैठे, इन तीनों ग्रहों में से 2 ग्रह बैठे या कोई एक ग्रह बैठे, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि यहां पर बैठेगा तो निश्चित रूपेण 101% ऐसे लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निकलती रहती है, और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही होती है। ऐसी स्थिति में मैंने यह भी देखा है कि बहुत बार उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो यहां पर आपको उपाय क्या करना है, जिन लोगों के साथ यह पहली कंडीशन बन रही हो उनको यदि शनि बैठा है तो शनि से संबंधित उपाय करना है, मंगल बैठा है तो मंगल से संबंधित उपाय करना है। ऐसे में सबसे बेस्ट उपाय आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए, और शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके, एक बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना की जाए, तो ऐसा करने से शीघ्र ही बड़े से बड़ा विवाह बंधन खुलता है और शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। चलिए अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, जब उनकी शादी के योग्य उम्र चल रही है, यह जो सूत्र है यह उसी समय देखना है जब किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है
और आप हर एक प्रयास करके थक चुके हैं लेकिन बात नहीं बन रही हो। ऐसी स्थिति में आप देखना, किसी भी लड़का या लड़की को आप कुंडली के पीछे जाएंगे ना तो विंशोत्री दशा के नाम से एक पेज होता है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चल रही है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल रही हो, तो देखिए उस समय पीरियड में शनि राहु या मंगल की महादशा या अंतरदशा जरूर चल रही होगी। शनि की महादशा, राहु की महादशा, मंगल की महादशा या इन तीनों ग्रहों की अंतरदशा चल रही हो, महादशा किसी भी ग्रह की चले, तो ऐसी कंडीशन में भी हर एक प्रयास मैंने अनुभव में देखा कि व्यक्ति का विफल हो जाता है और कहीं पर भी बात नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में भी जरूर ध्यान दें, यदि शनि राहु या मंगल में से किसी ग्रह की दशा चल रही है तो उस ग्रह का उपाय करना निश्चित रूपेण मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा चल रही है और आपका हर एक प्रयास विफल हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए और शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, 5-10 दाने काले तिल के मिला के महादेव जी का अभिषेक करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग जरूर बन जाता है। इससे आगे हम यदि बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने बहुत बार 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 मैंने इसका जिक्र किया है और मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव करके देखा है, 100% यह कंडीशन बना देता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में ध्यान देना है, कुंडली में चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बोला था, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली वाला पेज निकाल लें, आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ होगा, ठीक है। अब इस कुंडली के जिस खाने में एक नंबर लिखा हुआ है ना, अब आपकी इस कुंडली के खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, इस कुंडली के जिस खाने में एक नंबर लिखा है, इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 नंबर लिखा हुआ हो, या तो 4 लिखा हो या 5 लिखा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा यह एक दोष बन जाता है। ऐसे लड़के लड़कियों को 101% मैरिज होने में बहुत व्यवधान आता है। पहले बात तो शादी होने में बहुत समस्याएं आती है और शादी हो जाती है ना तो मैंने अनुभव में देखा है कि उनके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तनाव चलता रहता है। ये मेरा बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप भी इसे जरूर देखिएगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा हुआ पर 4 या 5 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूपेण मैरिज में डिले होने का बहुत बड़ा योग बन जाता है। और ऐसे लोगों के साथ तो मैंने देखा है, बहुत बार कुछ भी उपाय कर लो तो उपाय भी काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहां पर मैरिज हाउस का लोड शनि हो जाता है और वह सबसे धीमी गति से चल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन का सबसे सटीक निदान मैं बताता हूं, यदि यह कंडीशन जिस किसी भी लड़का या लड़की के साथ बन रही हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके एक बजरंग बाणी हनुमान चालीसा का पाठ करके मनोकामना हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसा करने से विवाह बंधन खुलता है, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, और भी बहुत से कारण होते हैं किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने के, लेकिन ये 3 सबसे बड़े कारण मैंने अनुभव किए हैं और मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ रिसर्च करके मैंने अनुभव में पाया कि यदि ये 3 कंडीशन किसी भी लड़का या लड़की के साथ बनती है तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार उपाय भी काम नहीं कर रहा होता, हर एक प्रयास विफल हो जाता है, लाख कोशिशें करने के बाद भी बात नहीं बनती है। तो यदि इन 3 कारणों में से कोई भी कारण बन रहा हो तो इसका निवारण भी मैंने बताया है, सिर्फ आप इसी निवारण को करिएगा, शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा और जल्दी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। मेरा एक विशेष निवेदन है, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिएगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो लोग पहले बार मुझे देख रहे हैं, पहले बार मेरे साथ जुड़े हैं, हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।